इधर आवे, इधर आ बैठ। किधर फिर रहा है तू? आवारा खोते की तरह इधर आ। ओ चाचा, आराम से बात किया करो यार। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो बच्चा नहीं रहा। अपनी भी कोई इज्जत है जमाने में, अपना भी कोई नाम है यार। वो मजाक थोड़ी ना है। अच्छा, और ये कब की बात है ओए? अभी चंद साल पहले तक तो तू इधर बैठा होता था नाली पे और आवाजें लगाता था, अम्मे कर लिया तो दे। ओ चाचा, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हो यार। वो बचपन था, गुजर गया, बस गुजर गया। आजकल अपना भी नाम है जमाने में, अपनी भी इज्जत है, वकार है, शान शौकत है, सब कुछ है चाचा, सब कुछ। अरे वो बात तो ठीक है, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा दे। तुम जितने मर्जी बड़े आदमी बन जाओ, पर हमारे लिए तो वही रहोगे ना। वो ही क्या, वही अम्मी तो दे। अच्छा यार चाचा, कह लो जो कहना है, तुम्हें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैच शैच देख रहे हो आजकल? इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है T20 खेलने, वो भी पूरे 17 साल बाद। हाँ भाई, वेलकम करते हैं उसे, लेकिन साली आई बड़े गलत टाइम पे है। ओह नो। हैं, गलत टाइम पे? वो कैसे? वो उनकी मलका फौत हो गई है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन इस मलका का क्रिकेट से क्या लेना देना। और 3 मैच खेले हैं उन्होंने, किसी मैच में 200 से कम स्कोर नहीं बनाया। मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स का उन्होंने बुरा हाल कर दिया, बरकस निकाल दिया। और मैं क्या अन्नी दियो, हाथ हौला रखो, ओ मलका असा मारी जे ताडी। हाँ चाचा, ये सब तो चलता है क्रिकेट में, इसलिए तो इसको क्रिकेट बोलते हैं। आज जो टीम जीती कल वही हारी, ये सब कुछ चलता है क्रिकेट में। हाँ पुत्र, मजाक अपनी जगह, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई। वो लोग जो हमारे प्यारे पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहते थे, अब उन सब की टीमें हमारे मुल्क में आना शुरू हो गई हैं। हमारी टीम ने ये साबित किया है कि हम दहशतगर्द नहीं बल्कि अमन पसंद कौम है, और पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। हमारे बैटर्स, हमारे कप्तान आज भी नंबर 1 है दुनिया में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो नहीं आए वो भी आएंगे अगले महीने पाकिस्तान में इंशाल्लाह।